एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की बीते रात गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसके बाद से पूरे देश भर में एक आक्रोश है। सोशल मीडिया पर लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से बाबा सिद्दीकी की मौत को बाद जो है एक आक्रोश उनके समर्थकों का और पूरे जो देश के अमन चैन शांति पसंद लोग जो हैं उनका आक्रोश जो है देखने को मिल रहा है। दरअसल बीती रात मुंबई में अपने बेटे के दफ्तर से वो घर निकल रहे थे और उसी वक्त जो है तीन हमलावरों ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी। दो गोली पेट में मारी और एक सीने में मारी गई। इसके बाद उनको फौरन ही मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद से सोशल मीडिया पर ये जानकारी आई, मीडिया में ये जानकारी आई कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। फिलहाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तीसरे की जो है तलाश जारी है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बाबा सिद्दीकी जो कि एनसीपी के नेता थे, पूर्व मंत्री थे, वाई कैटेगरी की सुरक्षा उनके पास थी, उसके बावजूद जो है उनकी हत्या कर दी गई, ये अपने आप में कितना दुर्भाग्य है। किस तरह से महाराष्ट्र की जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, जो किस तरह से फेल साबित हो रहा है, सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रहा है, इसकी पोल खुल रही है। तमाम लोग, राहुल गांधी हो, असदुद्दीन अवैसी हों, तमाम लोग जो है उनकी मौत पर दुख व्यक्त कर रहे हैं और शॉक्ड हैं और पूरी महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मांग ये भी की जा रही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को इस्तीफा दे देना चाहिए और साथ ही साथ जो गृह मंत्रालय महाराष्ट्र में संभाल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि कानून व्यवस्था में वो पूरी तरह से नाकाम और फेल साबित हो रहे हैं। बताया जा रहा है इसके पीछे एक कोई बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, बाबा सिद्दीकी की हत्या कराने के पीछे बड़ी साजिश है, कोई गैंग है। लेकिन सवाल ये है कि एक बड़े नेता की हत्या कर दी जाए, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी से बाबा सिद्दीकी आते हैं, बिहार के रहने वाले थे, महाराष्ट्र में एक लंबा जो है उनका कार्यकाल रहा है, सामाजिक और राजनीतिक जो है उनका सफ़र रहा है, एक महत्वपूर्ण योगदान उनका महाराष्ट्र की सियासत और महाराष्ट्र में माना जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े नेता की जो है वो दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, सरेआम हत्या कर दी जाती है, तो कानून व्यवस्था की क्या हालत है।